अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे शीर कोरमा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लजीज बना है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। आइए हम इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। हमने लवा ले लिया है, शुगर, काजू, बादाम, पिस्ता, गरी, इलायची पाउडर, आप चाहे तो किशमिश और खजूर भी ले सकते हैं। बहुत लोग किशमिश खजूर नहीं पसंद रहता है तो वो नहीं डालते हैं। आपके पास जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स लेके बना सकते हैं। तो हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। अब हम इसे देसी घी में फ्राई कर लेंगे। इसे हम देसी घी में फ्राई करेंगे सब, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हमने 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसे बाउल में निकाल के अब हम सेवई को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे देसी घी में। ये हमने अगेन देसी घी ले लिया है, हमने सेवई ले लिया है, इसे हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सेवई बिल्कुल अच्छे से भुना गई, ये बिल्कुल ब्राउन हो गई है। इसे अच्छे से हम 10-15 मिनट तक भून लेंगे, चलाते रहेंगे लगातार। ये करीब हमने मिल्क ले लिया है 1 से 1.5 लीटर, और सेवई भी हमारी एक ही पैकेट थी इसलिए हमने दूध भी ज़्यादा नहीं लिया है, 1 से 1.5 लीटर लिया है। इसे सिंपली अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे 10 मिनट तक। अब हम अपनी सेवई में दूध ऐड कर लेंगे जो हमने बॉयल किया था 10-15 मिनट तक अच्छे से। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 1 बाउल। कुक इट वेल। अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे जिसे मावा भी कहा जाता है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही उम्दा आता है। इसे ज़रूर आप डालिएगा, नहीं होगा तो कोई मिठाई, काजू कतली या कोई भी मेवा वाली, मावा वाली मिठाई आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं भी डालेंगे इट्स ऑप्शनल। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो हम ऐड करेंगे। बहुत ही उम्दा बना है, आप देख सकते हैं। इसे हम अच्छे से 10 मिनट तक पका लेंगे, कुक इट वेल, ये अच्छे से हो जाए। ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर में। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ऐड इलायची पाउडर एंड पिस्ता। यस, हमारा शीर कोरमा बिल्कुल रेडी है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा बना। आप इसे घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा। अभी तो बकरीद का सीज़न भी आने वाला है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। घर में गेस्ट आएंगे, उन्हें भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।